किसान साथियों नमस्कार, राम राम। किसान साथियों, आप सभी साथियों का अमित महला यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि आपको विदित है कि हर बार हम किसी न किसी विषय को लेकर तो आपके बीच में हाजिर होते हैं, चाहे वो विषय कैसा भी हो, चाहे वो आपकी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हो या आपके किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो या किसी के बारे में बताने वाला हो, हर बार किसी न किसी विषय को लेकर विशेष करके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं और उसी टॉपिक पर हम आपसे बातचीत करते हैं जो जरूरी होता है। वैसे तो वीडियो बनाने के लिए कितने भी वीडियो किसी भी चीज़ पर बना सकते हैं आप, लेकिन जो उपयोगी हो और अच्छा भी लगे ऐसा वीडियो हम आप लोगों के बीच में डालने का प्रयास करते हैं। और आप हर रोज साथियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप देते हो वीडियो को देखने में, वीडियो को समझने में अच्छी जानकारी आपको मिलती है, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबा के आल पर क्लिक करें। ये चीज़ मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नए साथी हमारे बीच में जरूर आए, नए साथियों को आप इसकी ओर लेके आइए। नए साथी अगर जुड़ेंगे हमारे साथ तो वो रासायनिक को छोड़ेंगे, उन चीज़ की जानकारी वो लेने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा आप भी अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम वीडियो की शुरुआत करते हैं बैंगन की फार्मिंग से। देखिए, किसी ने सच कहा है, ईमानदारी से अगर कोई भी इंसान अगर काम करता है तो उसको रिजल्ट अवश्य मिलता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्रीकल्चर में ही हो, ईमानदारी से मेहनत से कोई भी काम करता है तो उसका रिजल्ट उसको अवश्य मिलता है। आज का वीडियो जो आप देखेंगे मेरे वीडियो के बाद, लोकेश वर्मा जी का वीडियो सीकर से देखेंगे, जिनका टमाटर का वीडियो भी आपने देखा होगा, जो लाखों का टमाटर उनका बिका केवल टू केवल जैविक तरीके से उन्होंने लगाया। आज उन्होंने एक वीडियो हमें भेजा है, ब्रांजिल यानी बैंगन के ऊपर एक वीडियो भेजा है, उसमें ग्रोथ की बात करें बहुत शानदार ग्रोथ है, पत्तों की साइज की बात करें बहुत शानदार पत्ते हैं, फ्रूटिंग की बात फ्लोरिंग की बात करें बहुत शानदार फ्लोरिंग है, फ्रूटिंग की बात करें बहुत शानदार फ्रूटिंग है, और उसके साथ साथ अगर हम उसकी ट्रेलिंग पर बात करें तो वो भी बहुत शानदार है, और किसी भी तरह का कोई भी रोग उसमें नहीं है। केवल टू केवल किस कारण? गाढ़ा गौमूत्र कवच का उपयोग, तरल वैश्विक कंपोजर का उपयोग, जैविक तरीके से बनाए हुए खाद का उपयोग, और कुछ यूज नहीं कर रहे हैं। लीज पर उन्होंने जमीन लेते हैं वो हर साल, और बहुत शानदार बेनिफिट वो उठा रहे हैं, और ये मानो कि सिक्कर में काफ़ी जगह उन्होंने अपनी एक पहचान भी बनाई है, और आने वाले समय में मैं तो भगवान से दुआ करूँगा कि वो किसी ना किसी क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ें और किसी विशेष मार्गदर्शन बने वो, किसी का जानकारी देने योग्य वो बने, और आने वाले समय में इतना मेरे को विश्वास है कि वो आने वाले एक बहु यानी उसको हम कह सकते हैं कि एक होनहार किसान वो बन के साबित होंगे, इतना मेरे को विश्वास उनके ऊपर है, क्योंकि मैं उनके फार्म की दो तीन बार विजिट कर चुका हूँ। बहुत मेहनत करते हैं, उनके बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी लगन के साथ वो कार्य कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब हम कार्य करते हैं तो, और उनके पास जाते हैं तो बहुत शानदार लगता है। तो आज मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने ब्रांजिल का वीडियो हमें भेजा है, बैंगन का वीडियो हमें भेजा है, तो उसको वीडियो को आप देखेंगे तो सारी जानकारी आप ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों को बार बार कहता हूँ कि आप जो उत्पाद माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो बनाए गए हैं, दो तीन जितने भी उत्पाद हैं, तीन ही उत्पाद हैं अभी के लिए, तो गाढ़ा गौमूत्र कवच और तरल वैष्टि कंपोजर, उनका उपयोग आप कीजिए। कोई भी खर्चा नहीं है, ना के बराबर खर्चा है, रासायनिक से तो कम ही है, अगर सही मायने में बात करें तो रासायनिक से भी कम है, और जिसको हम खिला रहे हैं उसको एक शुद्ध चीज़ हम देने का काम कर रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक सौभाग्यशाली हम अपने आप को कह सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और मैं अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए उनका हमारे जो लोकेश वर्मा जी हैं उनके वीडियो को आप देखें, एक एक चीज़ उन्होंने खोल के बताया है, और वीडियो की समाप्ति करना चाहूँगा। इसके साथ साथ जो भी किसी भी किसान को इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते अमित सर, डॉक्टर चंद्रा जी, मॉर्निंग, राधे राधे। ये देखो सर, ये मैंने ब्रिंजल लगाए थे और आपको इसमें मैंने अपना नया OWDC कवच और गाढ़ा गोमूत्र इसका लगातार स्प्रे, फर्टिगेशन
चल रहा है। देखो मैं आपको इसमें अब ख़ास बात ये बताता हूँ। ये देखो सर, लीव्स की लंबाई जो है, ये देखो आप गाढ़ा गोमूत्र से लगभग ये एक 10 इंच की लंबाई तो ये होगी। और सर इसमें फ्लोरिंग आप देखो, ये देखो फ्लोरिंग, ये देखो आप सर, ये देखो फ्लोरिंग। एक पेड़ पे लगभग मैंने काउंट किए थे इवनिंग को 100 फ्लोर इस पे आ रहे हैं। ये फुटान देखो सर आप, मतलब मैंने इसके पेड़ों में नीचे से प्रूनिंग कर दी थी और उसके बाद में इस नीचे से पेड़ से देखो सर ये नया पेड़ और बनने में जा रहा है। ये देखो आप, और ये देखो आप, ये पूरा, ये देखो आप सर बंच में ये लग रहे हैं। देखो आप, ये देखो, ये देखो, एक दो तीन चार, ये देखो। और ये एक ही पेड़ पे नहीं है सर, ये सभी पेड़ पे ये सिचुएशन है। फ्लोरिंग फ्रूटिंग ज़बरदस्त सर। नया आप जो प्रोडक्ट OWDC और गाढ़ा गोमूत्र और कवच, मैं तो ये मानता हूँ ये तीन प्रोडक्ट फार्मर अगर लगातार अपनी फार्मिंग में काम में ले लेगा ना, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रा जी, बहुत बहुत आपका जो किसानों के प्रति योगदान चल रहा है अमित सर का। ये देखो सर आप नीचे नीचे, ये देखो आप मिर्च का और मैं बनाऊंगा सर इसमें, आज मैं ब्रिंजल का ही भेज रहा हूँ आपको। ये देखो फ्रूट की सर शाइनिंग देखोगे, ये देखो आप शाइनिंग। मॉर्निंग का टाइम है 8 o'clock, चमक है इतनी ज़बरदस्त। ये एक ही पेड़ पे नहीं है सर, इसमें देख लो चाहे आप, फ्लोरिंग देखो आप, ये देखो आप फ्लोरिंग 100 फ्लोर सर पर प्लांट में। ये देखो आप नीचे से निकल के आ रहा है, ये देखो आप, ये देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये रूट्स है, ये रही, इसमें से नया पेड़ और बनने को जा रहा है। ये देखो 1, 2 और 3, तीन पेड़ और बन रहे हैं सर इसके साथ में, 1, 2, 3, हाँ सर तीन ही है। ये देखो बहुत बहुत धन्यवाद सर।